गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह।
गोविंद सिंह, गुरु 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 गोविंद सिंह। फारसी में गुरु की महिमा गा के कह रहे हैं, तू शाहों का शाह है, तेरा फैज, तेरे जुमले जो तू बोलता है, तेरे वचन कितने सुंदर, तेरे जुमले प्यारे, तेरा नूर प्यारा, तेरी शकल प्यारी, भर दो आलम शाह, दोनों जहानों में तू ही शाह है। खस्म राजा का गुरु गोविंद सिंह, जिसने परमात्मा को अपना खसम बनाया वो है गुरु गोविंद सिंह, जिसने मुकाबला किया वैरियों का और डरा नहीं वो है गुरु गोविंद सिंह, जिसने कमजोरों के अंदर ताकत और रूह भर दी वो है गुरु गोविंद सिंह, जिसने हक के लिए लड़ना सिखाया वो है गुरु गोविंद सिंह, जिसने सच की आवाज को बुलंद करना सिखाया वो है गोविंद सिंह। मैंने ऐसा कभी दावा नहीं किया है कि मैं कोई विद्वान हूं, मैंने ऐसा कोई दावा कभी नहीं किया है कि जो बात मैं कह रही हूं उसमें कोई कमी नहीं हो सकती है। हिस्ट्री या नामों में कई दफा हो भी सकता है, तो मैं ये कह सकती हूं कि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हमारे इस जाप साहब को समझाते हुए में, तो वो गलती हमारी जुबान की होगी, तो उसको दोष मानिएगा, और अगर जाप साहब को कहते हुए कुछ अच्छा निकल आया है तो वो मेरे साहब की वजह से अच्छा आया है। शरीर की बंदिश में और मन की बंदिशों में बंध कर जब उस अनाम आकाश अरेख अभेख की बात की जाती है, तो कितनी भी कोशिश करो वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के लिए मेरी मोहब्बत और गुरु गोविंद सिंह के लिए जो सच की मोहब्बत है, उस सच के सूत्र ने हमको ये इजाजत भी दी और ये आजादी भी दी कि मैं इन शब्दों को वो अर्थ दूं जो मुझे समझ आए। ये जरूरी नहीं है कि जिन शब्दों के अर्थ मैंने जैसे किए हैं वही सही हैं और जो दूसरों ने किए वो गलत हैं, मेरा ऐसा कहने का कोई भाव नहीं है, पर जो बात कहने की कोशिश की उसके पीछे लॉजिक, तर्क और विज्ञान को हमेशा आधार बनाया है। और ये भी मैं कह दूं कि I was absolutely a bad student of history, तो हिस्ट्री की कुछ एक बात कहते हुए मैं कुछ नामों का हेर फेर हो जाए तो जैसे हमने वो पंडित का नाम लिया था चंडीदास, जबकि उसका नाम केशोदास था। अब मैंने कहा भाई चंडीदास केशोदास मेरे लिए पंडित था इतना ही बहुत है, अगर नाम का झगड़ा करना हो तो डेफिनेटली इट वॉज नॉट अ राइट नेम विच आई हैड टेकन। सो नामों में पर मैं यहाँ हिस्ट्री की क्लास लेने नहीं बैठी थी, यहाँ तो जाप साहब को समझने के लिए बैठे थे। और इतना मैं जानती हूँ कि जाप साहब में जहाँ जहाँ सत्य का, ब्रह्म का विवेचन आया है, वर्णन आया है, उसके बारे में जो कुछ कहा है वहाँ कोई भूल नहीं है, वहाँ कोई चूक नहीं है, क्योंकि जो बात वहाँ अर्थ दिए वहाँ अर्थ सिर्फ बुद्धि या भाषा के ज्ञान से नहीं दिए, वहाँ अर्थ मैंने अपने अनुभव से दिए, अपने अनुभव को शीशा बना करके और फिर उसके भीतर इन पंक्तियों को उतारते चले गए और फिर उन पंक्तियों के जो अर्थ मेरे इस शीशे में उतरते गए वही मैंने कहे। हमने तो हमेशा यह बात कही है कि जो बोल बुलवाता है वो बुलवाता है,
हम तो यहां सिर्फ आके बैठ जाते हैं। अपने सामने इन पंक्तियों को, जितनी पंक्तियों को आधार बनाना होता है, क्योंकि जाप साहब को मैंने जिंदगी में कभी नहीं गाया है, पहली बात मैं बता दूं, मैंने खुद कभी नहीं गाया है। बहुत हैरान मत होइएगा अगर मैं ये कहूं कि जाप साहब का पाठ करने वालों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। जिंदगी में कभी एक बार देखा था जरूर, पढ़ा था, बस पढ़ते गए और पेज पलटते गए, बस इतना ही है। तो जितना गाना होता था, इस बार तो अजब बात यह होती रही कि म्यूजिशियंस के साथ बैठ के एक सिटिंग भी अलग से हम लोग रिहर्सल नहीं कर पाए कि ये छंद कैसे गाना है, या ये कैसे गाना है, या ये कैसे गाना, या अचानक से कोई शब्द गाने का रूह आ गई तो कभी कोई ताल मुझे दिल में अच्छी नहीं लग रही होती तो मैं इशारा दे देती थी कि भाई ये ना ले, तो वो समझ जाते हैं, बहुत कब से काम कर रहे हैं हमारे साथ तो वो इशारा समझ जाते हैं, और चुपचाप से जो संगीत के जानकार है शायद वही पकड़ पाएंगे कि शुरू तो किसी और ताल से हुए थे, पहुंच कहीं है और गए हैं, ये बदल कब गया। वो बहुत जो संगीत के खोजी हैं, समझदार हैं, बस वही जानेंगे। दूसरों के लिए तो ट्रांजिशन इतना स्मूथ होता है, दे नेवर कम टू नो दैट व्हाई वी हैव चेंज्ड द ताल। अब यहीं के यहीं कर रहे थे, यहीं के यहीं कंपोज हो रहा था, यहीं यहीं पे गा रहे थे, यहीं यहीं पे। अब चूंकि गाना है तो मुझे एक साथ रोज देखते थे कि कितनी पंक्तियां हम ले सकते हैं, 15 ले, 20 ले, एक साथ गाना है तो एक साथ लिखी हुई अपने सामने में रख लेती थी कि ये अब सामने रहेगा। क्योंकि ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात, हम तो एक पंक्ति के साथ पूरा महीना निकाल दें, इसलिए वो सामने रखना पड़ता कि ये है इसको करना। अगर आपको याद हो तो हम लोगों की पहली सिटिंग जो जिस दिन जाप साहब शुरू किया है 3.25 घंटे की चल गई थी। 3.25 घंटे में हमने शायद मुश्किल से 8 पंक्तियों को लिया था, 8 पंक्तियां और 3.25 घंटे। सो जो बुलाया उसने वो बोला, सच के बारे में एक शब्द भी गर्दन काट ले कोई तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, जो सच था वो सच ही कहा। उसमें मुझको कोई ये बात बिल्कुल नहीं कहनी कि कोई खता हुई हो तो माफी दीजिएगा। हाँ, हिस्ट्री की कहीं कोई बात या किसी जगह का नाम कुछ इस तरह से, उसमें गलती की संभावना हो सकती है, तो अगर कोई गलती ढूंढने के लिहाज से ही इसको सुने तो महाराज बहुत सारी गलतियां निकल आएंगी। तो जो गलती ढूंढने वाले हैं उनको तो हम पहले ही प्रणाम करते हैं कि भाई हमारे पास ऐसी फुर्सत कोई नहीं है, और हम गुरु गोविंद सिंह नहीं हैं जो शस्त्र पहन के बैठे हैं। हम शस्त्रों से हमारा परहेज है, हमारी जुबान ही शस्त्र है, बस ये शस्त्र के साथ हम अपनी जंग लड़ते रहते हैं, पर ऐसे हमारे पास कोई शास्त्र नहीं है। पर मैं एक बात कह देती हूँ, कई बार कई लोग कहते हैं गुरु मैं बहुत ढीठ किस्म के, मैंने कहा क्यों नहीं हूं, ढीठ के साथ पाला पड़ा तो ढीठ ही तो होंगे और क्या होंगे। देखो जितना हक है उतना हक है, हिस्ट्री के बारे में इधर उधर कुछ हुआ हो तो कह नहीं सकती। एक बात चली है तो मैं थोड़ा कह देती हूँ, ढीठ होने का अंश हर पीर फकीर गुरु हर संत में आएगा ही आएगा, नहीं आए तो समझो कुछ गड़बड़ है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन को अगर आप देखें तो कहीं कहीं वो इतनी मस्ती मार जाते हैं, इतना मतलब पंजाबी में एक शब्द है जिसको कहते हैं कलोल करते हैं, खेलते हैं, जैसे माँ बाप बच्चे से खेलते हैं ना ऐसे खेल जाते हैं।